हम चल पड़े हैं रोड की तरफ रिक्शा लेने, जूते हाथ में, क्योंकि पैरों में रेत भरी हुई है, पैंट में रेत भरी हुई है, शर्ट में रेत भरी हुई है और मुंह में भी रेत भरी हुई थी। वाह, बहुत पैर जल रहे हैं, शिट, ये नहीं सोचा था। वो लोग कहाँ पहुंच गए, जूते पहन ही लूँ क्या, पहन ही लेता हूँ। तो कुछ खा रहे होंगे या कुछ, तो देखो कुछ तो ले रहे हैं लोग, पता नहीं मेरे काम की चीज ले रहे हैं। क्या खिला रहे हो भाई? गुटका। शर्ट पे तो कहीं पता नहीं चल रहा, शर्ट पे खुजली भी नहीं हो रही, पैंट पे हो रही। तो आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा एक चीज बताओ, पीछे क्या बढ़िया है? तो अभी हम लोग खाना खाने आए, शायद मैं दिख रहा नहीं हूँ तुम्हें क्योंकि अंधेरा है। होटल गए थे, फ्रेश व्रेश हो गया, हम खाना खाने आए हैं, कुछ बाहर घूमना भी हो जाएगा, खा भी लेंगे कुछ, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है। तो यहाँ से हम लोग निराश होकर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मनपसंद खाना नहीं है, भगाया नहीं है, मनपसंद खाना नहीं है और खाने की वो वैरायटी थोड़ी कम है, कहीं और देखो। हाँ गूगल पे देखो, कुछ अच्छा गूगल वाह बताएगा। आगर रत्ना जा रहे हैं क्योंकि पर्स भाई थोड़े वेज है ना, थोड़े क्या पूरे वेज है, तो उनको वेजिटेरियन खाना है, देखते हैं हम भी खाते हैं वेजिटेरियन। 17 किलोमीटर फिर से प्लान चेंज, हमें पास नहीं मिल गया अभी होटल, तो हम वहीं देखते हैं, अभी पता करते हैं कि मिलेगा या नहीं काम का, नहीं तो हमें वहीं जाना पड़ेगा साथ में। ये है वो होटल, देखते हैं यहाँ कैसा खाना मिलता है। तो सीन ये है कि यहाँ नहीं मिला खाना, यहाँ मतलब एक ही सब्जी थी, वो हमारे स्पर्श भाई को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला सागर रखना ही जाएंगे, देखते हैं हम दोबारा प्लान चेंज ना हो। अभी होटल में पहुंच तो चुके हैं, अभी पता नहीं वहाँ का खाना कैसा होगा, इसलिए एक प्लेट मंगाइए, अभी खा के देखते हैं कैसा होगा, फिर आगे ऑर्डर कर लेंगे। खाना तो आ गया है, अभी टेस्ट करके देखना है। अरे चेक बाद में करना, पहले एक्सप्रेशन तो दो खा के। घंटा यार वही तो मैं कह रहा हूँ, देखना है मेरे को कि कैसा होगा गाना। बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाऊँ, ये इस थाली में ये आया कुछ स्वीट जैसा, ये सेवैया जैसा लग रहा है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, मतलब देखने से पता नहीं चल रहा कि इतना टेस्टी होगा। अब खाना तो डन है, खाना तो पूरा खा गए, इन थालियों की हालत से पता चल रहा होगा हम कितने भूखे थे। चाय चाय आ गई, चाय आ गई, चाय चाय। खाना तो बहुत मस्त था, अभी देखते चाय के बहुत बेकार है, मतलब चीनी नहीं है, तुम्हारे में होगी ना भाई, हम कड़वे लोग हैं, हमें मीठा चाहिए होता है, जो मीठे लोग होते हैं ना उनको मीठा नहीं चाहिए।
जाएगा। हाँ तो खाना खत्म हो गया और बहुत बेस्ट खाना था कसम से। अगर आप लोगों को वेज खाना खाना हो यहाँ पे मैंगलोर में आके तो कुंदापुर में आके यहाँ पे करो। क्या नाम था? सैरोन होटल। सैरोन सैरोन जबरदस्त व्यू भाई। नो और नहीं वेजिटेरियन हो ना बहुत सही वेज खाना मिलेगा, पूरी वगैरह सब चावल वगैरह, और जो मैंने दिखाया ना वो तो जरूर खाना मीठे में तो थोड़ा आइटम है। बहुत खतरनाक हो गई है पुलिस आजकल, तो थोड़ा हेलमेट वगैरह पहन के चला करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी जेब के लिए भी। तो अब हम खाना वाना खाते हैं, अब जा रहे हैं आराम करते हैं, लिफ्ट नहीं जा सकते आज तो कुछ करना नहीं है। शाम को अगर थोड़ा रात को हो सका तो बाहर निकलेंगे अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं रेस्ट कर चुका हूँ थोड़ा सा, और अभी आज करने के लिए कुछ है नहीं तो आज शायद रात को हम बाहर जाएं। वैसे बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आसपास मार्केट नहीं है, बस शॉप्स हैं, मतलब वो भी नॉर्मल शॉप्स हैं, कुछ अच्छा नहीं है। अभी तो मैं बस लेटा हूँ और मैच देख रहा हूँ, तो अभी के लिए बाय, कुछ करते हैं तो मिलते हैं। हेलो गाइस, और ये मेरी आखिरी रात है मैंगलोर में, शूट ख़त्म हो गया है, सब ठीक है, थक चुका हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। कल हमारी इवनिंग में 6 की फ्लाइट है तो हमें यहाँ से 2 निकलना होगा क्योंकि बहुत दूर जाना है, यहाँ से 3 का सफ़र है एयरपोर्ट तक का, तो हमें कल 2 निकलना होगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के दोबारा से बीच घूम के आए क्योंकि यहाँ आसपास और कुछ घूमने की जगह है नहीं, सिर्फ वो बीच है, तो हम दोबारा बीच पे जाएंगे और थोड़े मस्ती करेंगे सोच रहे हैं। तो मैं और मोनू भाई जाएंगे अगर उठे तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हम आलसियों में से दोनों में से कोई उठेगा। जब तुम पूरे दिन से थक गए हो, चूर हो गए एकदम थकान में, तो सबसे बेस्ट चीज़ है अपनी फेवरेट चीज़ देखना या करना, तो मैं तो अपनी फेवरेट चीज़ ही देख रहा हूँ, ये शायद ही कोई होगा जिसे ये शो पसंद नहीं होगा। तो अब प्लान है ये पीने का और ये देखने का, बस आराम करो क्योंकि पैकिंग कर ली है, पैकिंग का कोई झंझट नहीं है, थोड़ा टाइम था पैकिंग कर ली, नहा धो के आराम से खाना वाना खा के सब सेट। अब कल देखते हैं सुबह, अगर बीच पे गए तो उठ पाए तो बीच पे जाएंगे, और बीच पे गए तो मस्ती करेंगे तो शूट भी करेंगे, शूट करेंगे तो ब्लॉग में डालेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा क्या उठे या नहीं। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये हमारा आज लास्ट दिन है और हम जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि शायद हम नहीं उठ पाएंगे और हम नहीं उठ पाए, हमें 9 बज गए उठते, उसके बाद गेट फ्रेश वगैरह होने में और नहाने धोने में काफ़ी टाइम लग गया, तो हम बीच तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ हम एक बार जा चुके थे बीच, तो दोबारा जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो अब हम यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और देखते हैं कुछ करते हैं तो करो। एक्टिंग कर रहे हो मेरी। टिकट मिल चुकी है, हम लोग जा रहे हैं चेकिंग के लिए। अभी मुझे लग रहा था कि शायद हम पकड़ ही नहीं पाएंगे प्लेन क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो अभी प्लेन तक तो पहुंच ही जाएंगे इतना तो है। आई स्पर्श हाय ब्रो, सो वर्ड्स
जब भी कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करता ना गाली निकलती है। हाँ जी क्या बोल रहे थे आप? मैंगलोर। किससे बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा मुझे लगा कि बात कर रहे हो साइड में कोई बैठा। तो गाइस हमने बोर्डिंग वगैरह कर लिया। क्या है बकवास हो रहा? हाँ गाइस तो हमने बोर्डिंग वगैरह सब कर लिया और हम टाइम पे हैं। जैसा कि लग रहा था कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमें लग रहा था कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम थोड़े से लेट थे, थोड़ा जाम वगैरह था, थोड़ा सा टोल वोल पे टाइम लग गया। तो लेकिन हम टाइम पे पहुंच गए हैं और अभी हम फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। मतलब हाँ सब ठीक ही जा रहा है फिलहाल तो, और यहाँ से हमारी डायरेक्ट है तो हमें कुछ बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी फ्लाइट में। और हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ अगली चेकिंग है क्योंकि ये क्या दो दिन पहले ही मंगलोर एयरपोर्ट के पास बॉम्ब या कुछ विस्फोटक कुछ मिला था तो इसलिए। लेकिन चेकिंग काफ़ी हार्ड कर रखी है क्योंकि अच्छा है चेकिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करना अच्छा होता है। ये दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं प्लेन में। तो इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिली लेकिन कोई बात नहीं मैं सोते हुए जाऊँगा। तो ये है आखिरी व्यू मैंगलोर का और इसको हम अलविदा कह रहे हैं। टाटा अलविदा, टाटा अलविदा। तो मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और एज यूजुअल यहां पर ठंड है काफी। मतलब ऐसा लग रहा है कि कढ़ाई से सीधा फ्रिज में आया हूं लेकिन अच्छा लग रहा है घर वापस आके। अभी बस घर जाते हैं। मम्मी से मैंने बोल दिया है कि यार इडली खा के थक गया हूं मैं तो आलू के पराठे बना के रखना। तो अब जाके आलू के पराठे खाऊंगा। ये 4 से 5 दिन ऐसे लगे हैं ना कि पता नहीं कितने साल हो गए मेरे को दिल्ली से गए हुए। लेकिन वो जगह बहुत अच्छी है मंगलोर, मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की जगह अच्छी, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। लेकिन स्पेशल चीज़ ये है कि हाँ वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं। मतलब बहुत स्वीट वहाँ के लोग, कसम से मज़ा आया और मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा।